जिस उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन के बाद अस्पतालों के औचक निरीक्षण की तस्वीरें मीडिया के सामने आई हों, उस उत्तर प्रदेश में अस्पतालों का हाल, एम्बुलेंस का हाल और बीमार लोगों का हाल क्या है, उसका नजारा तस्वीरों में दिखने लगा है। जिस यूपी में फेसबुक लाइव कर खुद डिप्टी सीएम मरीज बनते हों, उस उत्तर प्रदेश में फेसबुक पर एक बाप की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो किसी इंसान का मन झकझोर सकती हैं। प्रदेश में मर्ज, मरीज और मरीज घर, सभी की हालत कितनी नाजुक है। बीते 3-4 दिनों में आई ये तस्वीरें ये बताती हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल कैसा हो गया है। शायद इसे एक पूरी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। प्रयागराज, बलरामपुर, बस्ती, लखनऊ, आगरा, कतारें सब जगह एक सी हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल सब जगहों पर ढाक के 3 पात दिखता है। जब किसी जिम्मेदार की बात आती है तो जांच के आदेश हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग पर तमाम तबादलों को लेकर सवाल उठे हों, उस उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अगर मरीजों की ना सुने तो ये कोई आश्चर्य की बात तो नहीं दिखती। उत्तर प्रदेश में चमकते अमृत महोत्सव के बीच बीते 3-4 दिनों में अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें से कुछ दिखाने लायक हैं और कुछ नहीं। एक तस्वीर प्रयागराज जिले की है, खबर की हेडिंग पढ़ लीजिए बस, क्योंकि तस्वीर इतनी डरावनी है कि दिखाई नहीं जा सकती। सैकड़ों हजारों एम्बुलेंस का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश में एक लाश ले जाने को बाप को एम्बुलेंस नहीं मिली। एम्बुलेंस वाले ने 2200 रुपये मांगे थे जो एक गरीब बाप के पास नहीं थे। सोचिए कि जिसका लड़का मरा हो उससे 2200 रुपये मांगे जाएं और वो भी सरकारी अस्पताल में। हर आदमी के पास 2200 रुपया नहीं होता। सरकार शायद ये बात नहीं समझ पाई। बेबस बाप लाश हो गए बेटे को लेकर, लाश हो गई सरकार के सामने, सिस्टम के सामने। सड़क पर कई किलोमीटर चला, बाद में मन पसीजा तो सेना के जवानों ने गाड़ी देकर शव को घर तक पहुंचाया। हो सकता है कि तमाम आयोजनों को लेकर आप ताली पीट लें, हो सकता है घर पर तिरंगा फहराकर देश में राष्ट्रवाद का बिगुल तो फूंक दिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसकी तस्वीर शर्मनाक है। इस बात को समझना होगा कि एक बाप इतना बेबस क्यों हो गया। अगली तस्वीर बस्ती जिले की है। गोरखपुर वाली सीएम सिटी और अयोध्या की पॉलिटिकल कैपिटल के बीच का एक जिला है, जहां एक गड्ढे में एक एम्बुलेंस फंसी है। इस एम्बुलेंस में एक मां ने बेबस होकर एक बच्चे को जन्म दिया है। सोचिए कि जिस मां को लेबर पेन की असहनीय पीड़ा हो रही हो, उसे एक गड्ढे में एम्बुलेंस में फंसने के बाद अपने बच्चे को वहीं पर जन्म देना पड़ा। न कायदे की स्वास्थ्य व्यवस्था है, न कुछ। एक और तस्वीर बलरामपुर के पचपेड़वा के अस्पताल की है। न ठीक से डॉक्टर है, न ठीक से दवाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार है। एक और तस्वीर जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट की, एम्बुलेंस को धक्का वैसे ही लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगता है। लेकिन यूपी के लोगों ने सिर्फ एक गुजारिश की है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अस्पतालों का निरीक्षण हो ना हो, सरकारें जांच का, वादों का, होर्डिंग का, पोस्टर का और किसी चीज का वादा करें या ना करें, लेकिन उत्तर प्रदेश के अस्पताल में ऐसी स्थिति ना बने कि किसी पिता को अपने मृत बेटे को लेकर सड़क पर चलना पड़े, किसी माँ को भटकना पड़े और किसी शख्स को अस्पताल के वार्ड बॉय और कंपाउंडर की लानतें सुनने पड़े। ऐसी हालत उत्तर प्रदेश के अस्पताल में कब होगी? उत्तर प्रदेश का आम आदमी आज़ादी के एक ऐसे ही अमृत महोत्सव का इंतजार कर रहा है। सारे उत्तर प्रदेश की ओर से इस गुजारिश के साथ NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।